हाय फ्रेंड्स, आज मैं इमामी फेयर एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम का रिव्यू कर रहा हूँ। ये एक सैंपल पीस है जो आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप 30 ग्राम का ट्यूब लेना चाहते हैं तो आपको ये 40 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, इमामी इंडिया की बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये क्रीम सिल्वर कलर के ट्यूब में आती है। ये क्रीम वाइट कलर का है। इसकी खुशबू लड़कों को बहुत ही पसंद आएगी। इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। दोस्तों, इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम का दावा है कि उनकी ये क्रीम ज़्यादा ऑयल कंट्रोल, ज़्यादा सन प्रोटेक्शन, ज़्यादा स्पॉट रिड्यूशन, ज़्यादा स्वेट कंट्रोल, ज़्यादा लास्टिंग फेयरनेस देता है। बट मेरे हिसाब से ये इनमें से कुछ भी नहीं देता है। मेरे हिसाब से ये इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम है, जैसा कि फेयरल लवली। इस क्रीम को लगाने के 3 घंटे बाद ही चेहरा फिर से ऑयली हो जाता है। जैसा कि इस क्रीम का कहना है, ये सन प्रोटेक्शन क्रीम है, ये एकदम झूठ है। क्योंकि आप इसे धूप में लगाकर बाहर निकलेंगे तो इस क्रीम का असर ख़त्म हो जाता है। वैसे भी इस क्रीम के बारे में हमारे बहुत से दोस्तों को पता ही होगा। ये क्रीम सिर्फ पार्टी में या बाहर किसी फंक्शन में जाते समय लगाने के लिए ठीक है, बट ये क्रीम चेहरे को गोरी तो नहीं बनाती। अगर आप लड़कियों वाली फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आप फेयर एंड हैंडसम मैन यूज़ करें। ये मर्दों वाली क्रीम यूज़ करके अपनी मर्दानगी दिखाएं। और दोस्तों, और अधिक क्रीम प्रोडक्ट का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।